आप देख रहे हैं राष्ट्रीय हिंदी न्यूज। नमस्कार, आप देख रहे हैं राष्ट्रीय हिंदी न्यूज और मैं हूं आपके साथ साविका श्रीवास्तव। रुख करते हैं खबर की ओर। राजस्थान में सरकारी नौकरी के लिए बेरोजगारों ने दी 90 लाख रुपए। भरतपुर से पकड़ा गया गैंग। राजस्थान के भरतपुर में नदवई पुलिस ने बेरोजगार लोगों को नौकरी लगाने के नाम पर झांसा देकर पैसे लेने वाले गैंग का खुलासा किया है और धर दबोचा। राजस्थान के भरतपुर जिले में नदवई पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए एक ठगी करने वाले गैंग को गिरफ्तार किया है। यह गैंग बेरोजगार लोगों को सरकारी नौकरी दिलाने का झांसा देकर उसके एवज में पैसे लेने का काम करती थी। पुलिस ने गैंग के 3 लोगों को पकड़ा है। गिरफ्तारी में गैंग का मुख्य सरगना और 25,000 रुपए का इनामी कपिल जिंदल भी पकड़ा गया है। पुलिस ने इनके कब्जे से नौकरी संबंधित कागजात और रुपए बरामद किए हैं। गैंग जिले के साथ बाहर के लोगों से भी लाखों रुपए की ठगी कर चुकी है। पुलिस 3 आरोपियों को पकड़कर पूछताछ कर रही है। जिला पुलिस अधीक्षक मधुल कच्छावा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि नदवई थाने में 4 मामले नौकरी के नाम पर ठगी करने को लेकर दर्ज हुए थे। मामलों में कार्रवाई करने के लिए सीओ नदवई पूनम भरगढ़ को जांच सौंप दी गई है, जिसके बाद ठगी में शामिल गैंग को गिरफ्तार करके मामले का खुलासा कर दिया गया। अभी 3 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया है, जिसमें गैंग का मुख्य मास्टरमाइंड साथ में श्याम सिंह और जयपाल, 3 व्यक्ति नदवई के ही रहने वाले हैं। गैंग का काम था बेरोजगार युवाओं को झांसे में लेना और इनमें से 1 व्यक्ति नकली सरकारी अधिकारी बनता था। नकली अधिकारी फर्जी अपॉइंटमेंट और ज्वाइनिंग लेटर तैयार करवाता था। नदवई पुलिस टीम ने सारे कागजात जब्त कर लिए हैं। 3 आरोपी जुआ सट्टा खेलने के शौकीन थे। जुआ सट्टे में इनको बड़ा नुकसान हुआ था, जिससे ये कर्जे में चले गए। कर्जे को उतारने के लिए इन्होंने ये काम शुरू किया। अभी 3 आरोपियों से पूछताछ जारी है। पूछताछ में बताया है कि अब तक जिले और बाहर के लोगों से 80 से 90 लाख रुपए की धोखाधड़ी की गई है। पुलिस ने इनके पास से पैसे रिकवर किए हैं। हिसाब किताब और कमीशन का रजिस्टर भी बरामद किया है। ज्वाइनिंग एवं अपॉइंटमेंट लेटर बनाने के लिए जो उपकरण उपयोग में लिए गए हैं वह भी बरामद किए हैं।